हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूँ उषा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल केयरिंग मॉम वर्ल्ड में। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी प्रेगनेंसी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों तो आप लोगों की दुआ से मैं भी एकदम ठीक हूँ और मेरा बच्चा, दोनों भी बहुत ही स्वस्थ है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि हम किन्हीं एक ही टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो है कि अगर गर्भवती महिला ने कोई बेबी बॉय को कंसीव किया है तो उसके पैरों में कौन से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। उसके रिगार्डिंग हमारी जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, हमारे पुराने ज़माने में जो दादी ना नानी माँ जो भी थी, दाई माँ, वो कैसे पता देती थी कि महिला के पैरों को देखकर कि उसको बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी। दोस्तों तो आज के वीडियो में हम वही आगे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किया है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बने बेल आइकन को हिट करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि क्या होगा कि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके मन में ये जानने की जिज्ञासा ऑलवेज बनी रहती है पूरे 9 महीने तक कि उसके घर आखिर जो नन्ना मेहमान आने वाला है वो कौन हो सकता है, एक बेबी बॉय हो सकता है कि एक बेबी गर्ल हो सकती है। दोस्तों तो हम उसी जिज्ञासा को दूर करने के लिए इस वीडियो हमने बनाया है। बाकी हमारे वीडियो का या चैनल का ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आप लड़का लड़की में कोई भेदभाव करें, ठीक है। हमारे लड़का लड़की दोनों एक जैसे ही है, दोनों को समान प्यार और अधिकार देने चाहिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो गर्भवती महिला के पैरों को देखकर ऐसा बता देती है कि अगर गर्भवती महिला को उसका राइट पैर है, मतलब जो राइट वाला पैर है वो सबसे ज़्यादा अगर भारी लग रहा है, अगर और सबसे ज़्यादा अगर वो आगे बढ़ रहा है, मतलब कि अब जैसे ही सो के उठती है तो अब वो बहुत ही भारी लग रहा है, फिर आपको चलना है, बैठना है, उठना है, जो भी करना है, तो आपका जो राइट वाला पैर है वो सबसे पहले आगे जाता है, तो ऐसा माना गया है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है दोस्तों। और वहाँ सामने अगर आपके पैरों में कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे, सिर्फ भारीपन, मतलब कि उसमें कोई ऐठन झंझनाहट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके पैर हैं वो भारी हो रहे हैं, राइट वाला पैर, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सिम्टम था वो मुझे अपनी खुद की प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा महसूस हुआ था। मैं जब भी चलती थी, जब भी बैठती थी, कोई भी काम करती थी, तो जब भी उसमें पैरों की ज़रूरत पड़ती थी ना, तो मेरा राइट वाला पैर है वो सबसे आगे जल्दी उठ जाता था दोस्तों। तो ये सिम्टम को मैं 110% मानना चाहूँगी कि इसके सामने आपको एक बेबी बॉय होने का आइडिया आप लगा सकती है दोस्तों। तो साथ में वही होगा कि आपके पैरों के जो तलवे हैं वो बहुत ही गर्म रहेंगे। अगर आपको लगता है कि गर्मी का सीज़न है तो गर्म रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने कंसीव किया है सर्दियों के मौसम में, फिर भी आपके पैरों के तलिए हैं वो गर्म रह सकते हैं अगर आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और सिम्टम, साथ ही में आप अपने सामने भी चेक कर सकती हैं सिम्टम को। अगर आपको भी सामने ये मैच हो रहा है तो आप कुछ हद तक अंदाज़ा लगा सकती है कि आपको क्या होगा, बेबी बॉय के बेबी गर्ल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज़।